हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल तृप्ति टेस्टफुल टेबल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग चिकन का कुछ अलग वेराइटी ट्राई करते हैं। आज मैंने बनाया है ये मुगलई चिकन हांडी। ये देखने में जितना डिलीशियस लग रहा है उतना इजीली बन भी जाता है, तो देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसमें हाफ लेमन डाला, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट। इसे हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जब तक ये मैरिनेट होता है हम लोग ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है जार में एक ओनियन मीडियम साइज़ का, और इसे हम पेस्ट नहीं बनाना है, बस एक ग्राइंड करके इसे इस तरह से क्रश कर लेना है। ये हो गया हमारी ओनियन क्रश। अभी हमें ग्रेवी के लिए अच्छी खासी तैयारी करनी है। तो फिर सेम जार में हम एक टमाटर ले लेंगे। ये वहाँ मैंने मीडियम साइज़ का टमाटो यूज़ किया है, इसका भी पेस्ट बना लेंगे। ये हमारी टमाटो प्यूरी भी बिल्कुल रेडी हो गई। अब मैंने लिया हाफ कप कर्ड, उसमें डाला हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून क्यूमिन और ब्लैक पेपर का पेस्ट और 1 बिग टेबल स्पून क्रीम, और इसका भी एक पेस्ट बना लिया। ये हमारी ग्रेवी की तैयारी चालू हो गई है। चलिए अब फ्राई करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 4 टेबल स्पून ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले मैंने डाला क्रश किए हुए ऑनियंस। अब इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। जब ये हल्का, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना है, हमें इसे हल्का सॉफ्ट करना है। ऑनियन को सॉफ्ट करने के लिए डाला है मैंने यहाँ 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। इसे हम सॉल्ट के साथ सॉफ्ट करेंगे। देखिए हमारा ऑनियन सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे। ये मस्ट ट्राई रेसिपी है, एक बार आप प्लीज़ इसे घर में बनाइए। इसका टेस्ट फ्लेवर बहुत यूनिक आता है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो प्यूरी, इसे भी अब थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राई हो रहा है। जब हमारा टोमेटो प्यूरी जब तक ड्राई होता है तब तक हम कैश्यू का पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा 5-6 कैश्यू, उसको पानी डाल के मैंने इसका भी एक पेस्ट बना लिया है। अब टोमेटो हमारा देखिए ड्राई हो गया है। अब इसमें कर्ड एंड मसालों का मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे और कैश्यू का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब इन सब के साथ हमें कुछ देर इसे फ्राई करना है, जब तक इससे तेल बाहर ना आ जाए धीमी आंच पे। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। इसे हमें इस सम के साथ फ्राई करते हुए बिल्कुल ड्राई करना है। मैंने यहाँ डाला 1/2 टेबल स्पून चिकन मसाला और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला और अंत में थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके। ये देखिए कितना डिलीशियस लुक आ रहा है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ी देर और पकाना है। मसालों के साथ फ्राई करना है अच्छी तरह से। मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और तेल बिल्कुल अलग हो जाएंगे कुछ इस तरह से। देखिए मसाले बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको थिकनेस जैसी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ऐड करिए, और इसे पानी के साथ थोड़ी देर बॉईल करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मुगलई चिकन हांडी। अगर आप भी नॉर्मल चिकन से बोर हो गए हैं नॉर्मल चिकन खाने के टेस्ट से, तो आप ये रेसिपी ट्राई करिए, यू लव इट। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।